हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू क्राफ्टी टेल्स। तो फाइनली आपने बहुत प्यार दिया इस पर्स को और आज हम इसकी फुल वीडियो फाइनली करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। आपको एक ऐसा नेट का कपड़ा ले लेना, और इसको इसलिए हमने किया है ताकि डायरेक्टली अगर लेदर होगा तो लग जाएगा, तो इसलिए जो है मैंने एक इससे करे ताकि अगर मैं नीडल यूज़ करूँ तो डायरेक्टली ना जाए और इस पर कोई भी चीज़ थोड़ी चिपक जाए स्टेबिलिटी के लिए। तो ऐसे ही मैंने लेसेस ले ली, तो मेरे को ये वाइट वाली लेस बहुत प्यारी लगी थी क्योंकि मेरा थीम क्रीम और वाइट कलर का था, तो मैंने इसलिए वो लिया। उसके बाद ये मुझे अपने बहुत पुराने पर्दों में मिला था, तो मैंने इसका वाइट पार्ट हटा दिया और सिर्फ ब्राउन का ये बना बना ऐसे लेके नीचे दिख रहा होगा वही था, तो मैंने बस उसी में वाइट पोर्शन हटा दिया काट करके और ब्राउन ब्राउन रख लिया, क्योंकि मुझे वाइट ब्राउन और ग्रेश मतलब वाइट ब्राउन और क्रीम कलर रखना था। तो ऐसे उसके बाद क्योंकि ये स्टेबल नहीं होगा अगर आप फेविकॉल या किसी से चिपकाओगे, तो मैंने थोड़ा सा हेम कर दिया ताकि आपके पर्स पे स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि देखो लेस जनरली चिपक जाएगी, चाहे फेवी ग्लू से कह लो या जनरली फेवी बॉन्ड सबसे अच्छा वर्क किया इस पर। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ थोड़ी चिपकानी है, बट बटन्स वगैरह के लिए आपको जो है मैं ग्लू दिखाऊंगी पिक्चर में, वो आप जो है यूज़ कर लेना जो क्लॉथ के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने इसको जो हेम कर दिया इसी पे ताकि जो ये ना निकले, क्योंकि ये अटैच्ड रहने के ज़्यादा चांसेस है अगर हेम रहेगा। फिर मैंने बटन्स यूज़ किए, वो भी मैंने साइड में ऐसे करके चिपका दिए फेवी बॉन्ड से। आप चाहो तो फेवी ग्लू या जो भी होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट फेवी बॉन्ड सही ज़्यादा था इस पे, और ये लेदर भी सोक नहीं कर रहा था तो ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा था। तो मैंने इसको सारी साइड से बटन्स लगा दिए जो मुझे मिले। उसके बाद मैंने वही चीज़ रिपीट राइट साइड में भी कर दिया ताकि इससे थोड़ा और ग्रेस आए वाइट का ब्राउन के साथ, थोड़ा और अच्छा मिले। अगर आप नए हो गाइस तो इसको सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे पर्पल हार्ट्स मुझे कमेंट में दिए, थैंक यू सो मच। उसके बाद ये जो क्रंचीज आपको मिल जाएंगी कहीं पे भी दुकान पे, तो ये 5-6 आप ले आना, ज़्यादा मैंने नहीं यूज़ की है क्योंकि हैवी लुक हो जाएगा। तो मैंने जो है 3-4 ही लगाई हैं, उसके बाद मैंने बीच में स्टिक कर दिया। उसके बाद बीच में से आप कहीं से भी साइड में मैंने थ्रेड ऐसे करके मतलब नीडल ली, और उसके बाद अंदर जो है जो नीडल होती है उसके अंदर मैंने ऐसे छोटे छोटे मोती डाल दिए। एक साइड से आप लेदर के अंदर डालना और उसके बाद सारे चीज़ें अंदर डालते जाना, तो वो अपने आप ही आ जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देना, फिर नीडल डालना और फिर ये दूसरी वाली बीट जो ये है मोती थोड़े बड़े वाले वो डाल देना, और फिर साइड में इंडियन गाठी बांध के इसको काट देना। तो आपको ये पूरे में प्रोसेस में भी रिपीट कर सकते हो, बट मुझे ज़्यादा नहीं करना था तो मैंने इसलिए एक ही दो जगह यूज़ किया। फिर मैंने फिर से वापस वो लगा दी और ये वाइट वाली लेस वापस लगा दी। फिर एक और लेस थी इसकी, मैंने बाहर के वो जो थोड़े थे ये सब मैंने काट दिए और मैंने इसको ऐसे करके ग्लू से फेवी बॉन्ड से फिर लगा दिया, क्योंकि लेसेस आप इससे भी चिपका सकते हो, अब ईजिली हो जा रहा था। सो गाइज, बताना आप लोगों को कैसा लगा। और ये सबसे नाइस प्रोसेस मुझे इस पार्ट का लगा कि आपने नीडल से थ्रेड में डाल के पहले से ही, क्योंकि अगर आपने मेरा शॉर्ट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे जो है ऐसा लग रहा है वो स्टिच्ड है, बट वो स्टिच्ड नहीं थे, वो मैंने पहले से ही जैसे सुई धागा टाँकते हैं ना बटन, तो इससे आप उन बच्चों को वो सिखा सकते हो कि बटन कैसे टाँकते हैं। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे बना दिए, बस उसी के अंदर निकालते रहो, पीछे गाँठी बांध दो। उसके बाद ये वाला जो ग्लू था क्लॉथ का ही ग्लू होता है, आप देख लेना, मैं इसे टैग कर दूंगी अंदर ही, वहीं पर अटैच कर दूंगी। तो ये वाला जो ग्लू होता है क्लॉथ के लिए, ये बटन आराम से चिपक जाएंगे इससे। तो मैंने ये ऐसे करके 2, 4, 6 ऐसे करके मैं और एक आखिरी में ऐसे 7 के ऊपर 7 नीचे ऐसे करके लगा दिए। फिर ये थ्रेड मुझे, ये वाली भी लेस मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि आप देख रहे हो कि हार्ट शेप्ड है, तो अब इसको मैंने पूरा नहीं लगाया, इसको आप हार्ट शेप्ड ऐसे काट दो ताकि जो है वाइट का एरिया थोड़ा और अच्छे से आएगा और कुछ डिज़ाइन भी हो जाएगा। तो मैंने ऐसे करके वाइट वाले हार्ट्स काट करके लगा दिए 5-5 के उसमें गैप में। तो आप लोग भी इस प्रोसेस पे बहुत मज़ा आ रहा था गाइस मुझे, और आई होप आपको भी आए। और ऐसे ही करके फिर मैंने बाद में फिर से यही बटन्स बहुत सारे फिर से 7 के उसमें बना दिए, 6 के पैर और एक अलग से, और उसके बाद हार्ट वापस कंटिन्यू कर दिए। तो आपको यही प्रोसेस वापस रिपीट करना है, तो आपको कम से कम 15-20 अपने बच्चों को पकड़ लेना, उनसे कहना कि चलो आज तुम्हें बटन टाँकना सिखाते हैं, और इससे आपके बच्चे बटन टाँकना तो सीख ही लेंगे। तो ऐसे ही करके मैंने फिर से प्रोसेस रिपीट किया और जो बची हुई जगह थी वापस हार्ट्स लगा दिया। सो आई गाइज, मुझे लगा कि आपको भी बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू, आप लोगों ने बहुत इस वीडियो को प्यार दिया, और मैं आगे भी नई नई वीडियोज़ लाऊँगी, और आप मुझे बताना कि और आपको कौन सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कि जो बिल्कुल बद से बदतर आप फेंकने वाले हो और आपको उसे बचाना है और प्रिजर्व करना है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जो है और कौन सी चीज़ ट्रांसफॉर्म करनी है। फिर उसके बाद वैसे ही मैंने एक और जगह जो है बीड्स इधर से भी ले ली
और इधर ये भी मैंने जो है नीडल से ऐसे निकाल लिया, तो इससे क्या होता है प्रोसेस ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और आपका स्टिच्ड भी रहेगा, आप क्योंकि मोती चांसेस है गिरेंगे, इसलिए मैंने मोती को थोड़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए मैंने इसको टाक दिया। और बाद में दो एक दो सिलाई मारने के बाद और बाहर अंदर से निकालने के बाद फिर आप भले उसे ग्लू कर दो ताकि आपको और ज़्यादा टाइम ना बच जाए, तो आपको इसमें टाइम भी बचाना है और सेफ्टी भी रखनी है कि ये नहीं कि आज अच्छा बन गया और आप कहीं कैरी कर रहे हो तो ये ख़राब हो जाए। आज तक भी मैं कैरी कर रही हूँ तो एक भी, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एक भी चीज़ इसमें से नहीं गिरी है। सो आपको इसे सेमी स्टिच्ड रखना है, स्टिच्ड पूरा नहीं बट सेमी स्टिच्ड तो रखना है कि जो मेन चीज़ें हैं वो ना गिरे, जैसे बीड्स वगैरह होती हैं। तो मैंने ऐसे करके तीन के इसमें बना दी और ऐसे ही ऊपर तीन भी लगा दी। फिर एक ये वाले भी मुझे मिले थे वाइट कलर के मोती, इन्हें पता नहीं क्या कहते हैं, शेल्स टाइप जो भी, इसे भी मतलब बड़े वाले ही सुई वाला मतलब कहेंगे, ये भी मैंने बीच में एक आँख वाला टाइप था तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये भी ले लिया था। और फिर से वो बटन्स जो आपको 7-7 के पे उसमें बनाने थे वही फिर से आपको वापस लगा देना है। उसके बाद आपको लेस लगा देनी है, फिर से वही रिपीटेड जो मैंने वाइट कलर की लगाई थी तो वही वाली लेस लगा करके वो एरिया कवर कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि प्रोसेस रिपीटेशन पे है ताकि वो सेम लगे, ये नहीं कि इधर से कुछ और इधर से कुछ, तो ऐसे करके करना है। फिर जो खाली बचे जगह थी वहाँ पे मैंने अपने नाम का पी लिख दिया, क्योंकि मेरा अगर रियल नाम आप लोगों को नहीं पता होगा, प्रतिका है मेरा रियल नाम, तो इसलिए मैंने जो है पी से अपना इनिशियल्स उसमें डालने की कोशिश की कहीं ना कहीं से। तो ये छोटी सी लेस मैंने बीच में लगाई और फिर क्यूट क्यूट से हमने अपने दो तीन प्यारे से क्या ले लिए, हमने अपने तीन चार मोती ले लिए। तो ऐसे करके मैंने तीनों मोती से अपना पी नाम से लगा दिया। आप भी अपना इनिशियल्स लगा सकते हो किसी भी वे में, तो मैंने ऐसे करके पी लगा दिया ताकि लोगों को पता भी ना चले और वो असलियत में हो भी, तो आप ऐसे करके लगा लेना और ये हमारा आगे का प्रोसेस अब कंप्लीट होता है। अब साइड से तो ये गंदा लग ही रहा है, तो अब इसके लिए मुझे ये बहुत प्यारी सी लेस मिल गई, ऑलरेडी मार्केट से मिल गई, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस इसको मेरे को मेहनत करनी पड़ी चिपकाने की क्योंकि वो बार बार गिर रहा था। तो बस ये है कि आप पोजिशनिंग उसकी सही से करना, तो आप फेवी बॉन्ड भी इसमें लगा सकते हैं, मेरा फेवी बॉन्ड ख़त्म हो गया था तो मुझे ये क्लॉथ वाला ही लगाना पड़ा था, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था बट बाद में हो गया था और हाथ वाथ काफ़ी गंदे तो मैं इसे इग्नोर करना। सो ऐसे करके ही हो गया। अब ऊपर के लिए भी चाहिए था, ऊपर के लिए ये तो नहीं लगा सकती, तो मेरी वो जो वाइट वाली लेस थी उसी को मैंने थोड़ा और टक इन करके ऊपर, ताकि जो जगह मैंने छोड़ी है अभी मैं इसको और ऊपर थोड़ा कर दूँगी ताकि जब खोलूँ तो वो आराम से खुल पाए। और वाइट वाली लेस का बेस्ट पार्ट ये था कि अगर जब मैं अंदर फेवी कॉल या जो भी ये फेवी ग्लू थी जो लगा रही थी वो अपने आप एब्जॉर्ब कर रही थी, और आप देख रहे हो कि वो ऊपर की साइड मैंने खिसका दिया था। तो अब हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो पीछे आपको ज़्यादा हैवी लुक नहीं देना है क्योंकि ऑब्वियसली पीछे आपको एक तो कैरी करने में भी दिक्कत होगी, तो बीड्स वगैरह आपको ज़्यादा नहीं लगानी है, बटन्स भी मैंने इसमें इस साइड ज़्यादा नहीं लगाए, बस मैंने ये जो चीज़ थी मेरी लीफ वाली यही वाली मैंने जो है इस साइड कर दी, और ज़्यादातर मैंने पूरा लेसेस से किया है, मैंने ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं है क्योंकि पीछे से थोड़ा मुझे सिंपल रखना था। तो ये वाइट लेस की बेस्ट पार्ट ये थी कि जब मैं फेविकॉल ये सब भी लगा रही थी तो ये हट जा रहा था और फिर ट्रांसपेरेंट लुक आ रहा था बकायदा। तो ये देखिए मैंने साइड में भी लेस लगा दी ऐसे ही करके, दो बार रिपीट कर दी क्योंकि पतली जगह थी तो मैंने इधर लगा दिया। उसके बाद हमें अपना यही प्रोसेस बाद में भी रिपीट करना होगा उस साइड के लिए। फिर ये वाली लेस मैंने इस बार काटी नहीं, इस बार ये वाला जो है मुझे चाहिए था ये लुक, तो मैंने ये रखा था कि डिफरेंट भी लगे और वैसा अच्छा सा भी आया, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो है कर्टन्स वाला लुक लिया था तो मैंने यहाँ पे ये ऐसे वाला लुक लिया। फिर वापस मैंने वाइट वाली, तो आप देख रहे हो कि ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्टी कुछ नहीं थी, और ये लेस मैंने काट के ना लगा के डायरेक्ट ऐसे शेप में दो हार्ट के में लगा दी, एक जो है मैंने बटन वाला रिपीट कर दिया और ये मैंने वापस वाइट वाली फिर से लेस रिपीट कर दी दूसरी साइड से। तो आप देख रहे होगे कि पीछे वाला प्रोसेस बहुत इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, टाइम टेकिंग भी नहीं था क्योंकि इसमें बटन भी मैंने सीले नहीं है, बस ऐसे ही हेम वेम कुछ नहीं किया ज़्यादा, सिर्फ मैंने इसका दे दिया ताकि ये इजीली भी हो जाए। और ये है हमारा फाइनल लुक। सो आई होप मुझे आपको अच्छा लगा हो और आप लोगों ने मुझे बहुत सारे पर्पल हार्ट्स दिए, थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो को भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से देखो और बहुत प्यारा सा पर्स बनाओ और अपने पेरेंट्स के पैसे बचाओ, अपने हस्बैंड्स के पैसे बचाओ। बाय गाइस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।